नमस्कार, डीडी न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। मैं शिवानी नॉर्थ ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत मिलने के ठीक एक दिन बाद कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त सैनिक मोहम्मद सना उल्लाह को आखिरकार डिटेंशन कैंप से रिहा कर दिया गया है। पूरे 30 साल तक देश की सरहदों की रक्षा करने वाले, पूरे 30 साल तक भारतीय सेना में काम करने वाले मोहम्मद सना उल्लाह को एनआरसी केंद्र पर काम कर रहे एक अधिकारी की चूक के चलते डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है मोहम्मद सना उल्लाह। असम के कामरूप जिले में बोको के तहत आने वाले कलियाकाश गांव के रहने वाले सना उल्लाह का जन्म 1967 में हुआ। 1987 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए। 2017 में मानद कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने 30 वर्षों तक सेना में रहकर देश की सेवा की। जी हाँ, 52 साल के सना उल्लाह ने 30 वर्षों तक सेना में रहकर देश के लिए काम किया है। पिछले महीने असम में सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन को असम पुलिस की सीमा शाखा ने विदेशी नागरिकों के संबंधित एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित करार दिया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। सना उल्लाह बीते 29 मई से पश्चिमी असम के गोलपारा जिले के एक डिटेंशन कैंप में रह रहे थे। सुर्खियों में आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सना उल्लाह को उनके वकील इंदिरा जयसिंह और कई अन्य लोगों की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे दी। इसी के साथ ही न्यायमूर्ति ने भारत सरकार, असम सरकार, रक्षा मंत्रालय, असम पुलिस के अधिकारियों और एनआरसी को भी एक नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि एनआरसी ही वो प्रक्रिया है जिसके चलते मोहम्मद सना उल्लाह को विदेशी घोषित कर दिया गया था और वो पिछले 29 मई से डिटेंशन कैंप में अपने दिन गुजार रहे थे। आपको बता दें कि उन्हें 2014 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल सना उल्लाह का ये मामला हमें प्रशासन की लापरवाही और कानून की ढीली ढाली व्यवस्था की तरफ रुख करने को मजबूर कर देता है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन इस मसले पर अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और पूर्वोत्तर से जुड़ी अन्य खबरों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।